नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय श्री राम आप सभी को। वापस से हम आ चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वीडियो का पार्ट टू लेके। पिछली बार का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा जहां पे हमने रिडक्शन तक की बात की थी। आज हम बात करेंगे सारी केमिकल प्रॉपर्टीज की और उसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। दो चीज बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, एक था क्लेमेंसन रिडक्शन और एक था वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन हमने पढ़ लिया था, वो आप लास्ट वीडियो में हमारे देख सकते हैं। वुल्फ किशनर की बात हमने करनी थी। तो अब वुल्फ किशनर की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो इसका जो रिएजेंट होता है, इस ऑर्डर में याद कर सकते हैं, इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है NH2 ग्लाइकॉल, या तो कई जगह इसको N2H4 भी लिखा जाता है, और इसको बोला जाता है हाइड्राजीन। क्या बोला जाता है बच्चों? हाइड्राजीन बोला जाता है। तो कोई भी अगर कार्बोनिल ग्रुप होगा, रिएक्टेंट जो होगा आपका वो कार्बोनिल ग्रुप होगा। रिएक्टेंट क्या होगा बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप, ये होगा आपका रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट में ये आपको दे देगा, प्रोडक्ट में ये आपको दे देगा CH2 ग्रुप। मतलब अगर आपके पास C डबल बॉन्ड हो रहा, आपने हाइड्राजीन लिया NH2 या फिर N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल, तो ये आपको C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 बना के दे देगा। आई होप आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगली बात हम करने वाले हैं बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की। एक सेकेंड, जी हाँ बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं अगले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो रिएजेंट्स हम यूज करने वाले हैं, कई सारे रिएजेंट्स हैं बच्चों, पहले आपको रिएजेंट्स बता देते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में जो रिएजेंट्स आते हैं वो आते हैं K2Cr2O7, KMnO4, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और ये सारे जो होंगे वो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और हाई टेम्परेचर में होंगे। और जब भी हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे बच्चों, जब भी हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमेशा हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे देगा। मतलब हमें एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या मिलना है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिल रहा है, इसमें कोई भी कष्ट नहीं है, ठीक है। अगर अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर यहां पॉइंट लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अनसिमेट्रिकल कीटोन अगर होता है, ये बात याद रखिएगा। अनसिमेट्रिकल मतलब जो कीटोन ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, उसके दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा उसमें चेंज आएगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप में चेंज आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन आखिर होता क्या है। जैसे कि मान लेते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये तो आपको पता ही है, तो ये वाला जो कार्बन होगा बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये होगा अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा ये होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, बट अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में दो अल्फा कार्बन होंगे, देखिए एक ये और एक ये, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। मतलब दो अलग अलग कार्बन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन होता है। एल्डिहाइड में टू ग्रुप्स, ये आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, टू ग्रुप्स विच डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन। कौन से दो ग्रुप है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है?
एक, बच्चों याद कर लीजिएगा इसे, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल्डिहाइड होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, और दूसरा होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा होता है। एल्डिहाइड में ये दो ऐसे लोग हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो इतनी कहानी है, और इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे, हमें एक एक्स्ट्रा पेज चाहिए होगा, चलिए हम लास्ट में यूज कर लेंगे। सबसे पहला रिएक्शन जो इसमें आता है वो आता है हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ विच हैलोजन इज यूज्ड, कौन सा हैलोजन यूज किया जा रहा है उसके बेसिस पे इसको आयडोफॉर्म लिख सकते हैं, अगर आयोडीन यूज किया जाएगा, ब्रोमीन यूज किया जाएगा तो ब्रोमोफॉर्म लिखते हैं, और अगर हमने क्लोरीन यूज किया तो क्लोरोफॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड, टू सी एच थ्री ग्रुप। मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर ये रिएक्शन होना है, अगर ये रिएक्शन होना है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, फट से बताइए। अगर ये रिएक्शन होना है तो इसकी रिक्वायरमेंट है ये वाला ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ये ग्रुप अगर नहीं रहेगा तो ये वाला रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही है CH3CO ग्रुप। ये बात आप याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल भी भूलने वाली नहीं, क्योंकि ये बात अगर आप भूल गए तो बहुत ही कष्ट हो जाएगा, है ना, बहुत ही कष्ट हो जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप होता है, मिथाइल कीटोन इसको कहते हैं, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइपोफेलाइट NaOH, इसको लिख दे रहा है सोडियम हाइपोफेलाइट, हाइपोहेलाइट सॉरी। अब ये सोडियम हाइपोहेलाइट कहां से है ये भी लिख देते हैं, X2 प्लस NaOH प्लस CHCl3, इन तीनों के, तो NaOX की जगह हो सकता है आपको X2, NaOH और CHCl3 भी मिल जाए। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। तो सोडियम हाइपोहेलाइट बना है वो इससे बना है, तो कई जगह NaOX की जगह आपको ये लिखा भी मिल सकता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बनेगा वो बनेगा CHX3। फिर से काम करना बंद कर रहा है, CHX3, और यही आपका होगा हैलोफॉर्म। इसी को हम हैलोफॉर्म के नाम से जानते हैं, और इसके साथ बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ONA। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही हैलोफॉर्म है। X की जगह अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म। अब दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको पढ़ने हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए। इसको एकदम ध्यान से, पेन कॉपी बुक आपको जो लेके बैठनी है बैठ जाइए, पर ये आपको आना ही चाहिए। इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, और ये किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाता है। इसका मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन की जो रिक्वायरमेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कार्बोनिल ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी ऊपर आपको बताएं कि कौन से ऐसे दो ग्रुप है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, तो उनको छोड़ के बाकी सारे लोग ये रिएक्शन देने वाले हैं। देखिए इसमें दो टाइप के रिएक्शन होते हैं बच्चों, एक एल्डोल कंडेंसेशन है और एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, और क्रॉस एल्डोल में एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो आइए इसका रिएक्शन
विथ मैकेनिज्म देखते हैं। प्रोडक्ट आप खुद बताएंगे। यहां पे दो लोग होंगे, हम यहां दो सिमिलर लोग को ले लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो दो बेस के प्रेजेंस में होगा। आइए मैकेनिज्म इसका देखते हैं, और बच्चों ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार मैकेनिज्म भी पूछता है। अगर दो एल्डिहाइड आपके पास है बेसिक मीडियम में जिनके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब वहां पे एल्डोल होना है। पर अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा और दूसरे के पास नहीं होगा तो वहां क्रॉस्ड एल्डोल होगा। ठीक है, आइए मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये जो CH3CHO है, सॉरी ये क्या करेगा ये वाला हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके। तो यहां से जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 पे माइनस चार्ज और C डबल बॉन्ड H और H प्लस हवा में तैरता रहेगा। ठीक, ये स्टेप नंबर वन था, सॉरी स्टेप नंबर वन था। ठीक, अब स्टेप नंबर टू की बात करेंगे। स्टेप नंबर टू, कार्बोनिल बॉन्ड ब्रेकिंग। दूसरे पार्ट में क्या होगा बच्चों, कार्बोनिल का बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब ये CH3 तो इसी तरीके से रहेगा पर इसका जो सिंगल बॉन्ड है वो टूटेगा। देखिए बच्चों, जब भी हेट्रो एटम रहता है ना तो बॉन्ड हमेशा वहीं से टूटता है। अगर पाई बॉन्ड रहेगा तो पोलैरिटी डेवलप होगी, और अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ब्रेक करेगा। ठीक, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहां से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से प्रोडक्ट बनेगा CH3COH। इस O पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, माइनस आएगा, और इस पे प्लस चार्ज आएगा। तो जैसा कि आपको सदियों से पता है कि प्लस चार्ज किस पे अटैक कर देगा, ये यहां से अटैक करेगा, प्लस चार्ज यहां से अटैक कर देगा माइनस चार्ज पे, और फिर स्टेप नंबर थ्री होगा, मींस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जहां भी नहीं समझ में आएगा कमेंट कर सकते हैं वीडियो के बाद, तो हम आपको बता देंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एल्डोल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिए बन क्या रहा है आखिर। हम एक साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं, C डबल बॉन्ड ओ एच, ये एज इट इज है, फिर यहाँ पे आया CH2, ये वाली बात बना रहे हैं। अब दूसरा वाला जो अटैक किया है उसको येलो से लिखते हैं, इसको हम येलो से लिख रहे हैं, इसके सामने कलर बना दिए। इस पे अटैक किया C, O पे माइनस चार्ज, यहाँ पे H, ठीक है, और इधर हो गया CH3। यही चीज हो रही है बच्चों, यही चीज हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक, अब क्या होगा, ये जो H+ हवा में तैर रहा था, ये यहां से उठ के इस पे अटैक कर देगा और बन क्या जाएगा, CH3COH। यहाँ पे CH, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर CH2C डबल बॉन्ड OH। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा आपका बच्चों, और क्योंकि इसमें देखिए एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और एल्कोहल भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अगर बच्चों बात नहीं समझ में आई तो फट से बताइए, आपको बता दें। एल्डोल कंडेंसेशन, किसी को कोई दिक्कत नहीं बच्चों? अब देखिए कई बार ये टॉटोमेराइज करता है, टॉटोमेराइजेशन करता है। तो इसका जो H है और इसका OH है ये बाहर निकल आएंगे, क्या निकल के बनाएंगे बच्चों, H2O बना देंगे, तो ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा फिर। तो ये दोनों प्रोडक्ट एल्डोल में आपको दिखने को
मिल जाते हैं, यही है बच्चों आपका एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए, हमने आपसे कहा था कि इसमें एक और टाइप होता है जिसको कहते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है बच्चों? क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, नीचे हम लिख देते हैं, प्रोडक्ट सिमिलर तरीके से होगा, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल में क्या होता है, एक होगा विथ अल्फा हाइड्रोजन, विथ अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरा होगा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, या फिर कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में ये वाला जो रिएक्शन है बच्चों, ये पहला, इसके लिए हमें ऑलवेज अल्फा हाइड्रोजन वाला पार्ट चाहिए, ऑलवेज अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला रिएक्शन तो अल्फा हाइड्रोजन वाला ही करेगा और ये बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला कर देगा। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। अब दूसरा जो रिएक्शन आता है बच्चों, दूसरा जो रिएक्शन आता है वो आता है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म आपको नहीं जानना है, पर इसकी रिक्वायरमेंट्स हम आपको जरूर बताएंगे। कैनिजारो रिएक्शन की रिक्वायरमेंट जस्ट उल्टी है, जस्ट उल्टी है, गिवन बाय दोज कार्बोनिल ग्रुप्स विच डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, which don't have alpha hydrogen। तो ये वो लोग देंगे जिनके पास alpha hydrogen एकदम ही नहीं है, मतलब ये इसका aldol का just उल्टा है। मतलब ये कौन देगा बच्चों? ये दे देगा, क्योंकि ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि इन दोनों के, इनके पास alpha hydrogen नहीं होता है। तो ये देता क्या है, इसका product आपको याद करना है। ये तो important बात है, पर इसका प्रोडक्ट क्या है वो आपको याद करना है। इसका प्रोडक्ट बहुत ही आसान है बच्चों, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले तो ये बेस के प्रेजेंस में होगा, एक बनेगा एल्कोहल, एक कार्बन का बन जाएगा एल्कोहल और दूसरे कार्बन का सोडियम कार्बोक्सिलेट, सॉरी इसका सॉल्ट बनेगा, सोडियम का कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितना कार्बन हम ले रहे हैं। तो यही था आपका कैनिजारो रिएक्शन। यहां पे खत्म होता है एल्डिहाइड का सारा पार्ट। अब आइए एनसीईआरटी के कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमको एप्लीकेशन का भी आइडिया लग सके। एल्डिहाइड के तीन इनटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, पहला वाला आइए करते हैं। कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मिथॉक्सी प्रोपियोनल डिहाइड। क्या कह रहा है बच्चों? क्या कह रहा है? मिथॉक्सी प्रोपियोनल डिहाइड, ट्राई करिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं, ट्राई करिए बच्चों, आपको टाइम दिया जा रहा है। आप आगे का भी ट्राई कर सकते हैं, आपका मन है तो आप आगे का भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट हम इधर से करेंगे, प्रोपियोनल डिहाइड दिया, प्रोप मतलब बच्चों तीन, तो मिथ इथ प्रोप और एल्डिहाइड, यही हो गया। और मिथॉक्सी दिया है, मतलब इस पे OCH3, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड और ये मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ईथर के लिए होता है, एल्डिहाइड हमने यहां बना दिया था। सेकंड नहीं दिख रहा है, चलिए सेकंड शायद चोरी हो गया, वो थर्ड है, नंबरिंग शायद गलत हो गई होगी, आई डोंट नो। थर्ड की बात करते हैं, कह रहा है टू हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। क्या दिया है बच्चों? टू हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। तो साइक्लोपेंटेन बनाते हैं, पहले बन गया साइक्लोपेंटेन, टू पे हाइड्रोक्सी और इस पे एल्डिहाइड। देखिए ये एल्डिहाइड बन गया और टू पे बन गया हाइड्रोक्सी, सिंपल, कोई कष्ट परेशानी तो नहीं होगी आपको, कोई कष्ट परेशानी नहीं होगी आपको। अच्छा सॉरी, सेकंड यहां दिया हुआ है, सेकंड यहां दिया हुआ है, सेकंड भी बना देते हैं आपके लिए।
सेकंड कह रहा है थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तो ब्यूट का मतलब एक दो तीन चार, ब्यूटेनल बन गया बच्चों, और थ्री पे बोला हाइड्रोक्सी, वन टू थ्री, थ्री पे हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब आइए नंबर फोर ट्राई करते हैं। नंबर फोर क्या कह रहा है, फोर ऑक्सो पेंटेनल, फोर ऑक्सो पेंटेनल, ठीक। तो पेंट तो हमें पता है, पेंट बनाते हैं, एक दो तीन चार पांच, अल बोला तो लीजिए अल भी बना दिए, और ऑक्सो यूज होता है एल्डिहाइड के कीटोन के लिए, तो वन टू थ्री फोर, फोर ऑक्सो पेंटेनल। कहीं कोई कष्ट बच्चों तो बताइएगा, कहीं कोई कष्ट है किसी को तो बताइएगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव ट्राई करते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, 8.2, ये एक्चुअली हमें समझ में नहीं आ रहा है, चलिए इसे छोड़ देते हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलती हो गई है, क्वेश्चन देखेंगे तो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, साफ साफ दिया है, थोड़ी सी गलती हो गई। फोर फ्लोरो एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन बच्चों आपको पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में बताया गया था, एसिटोफिनोन, फिनोन मतलब, फिनोन मतलब बेंजीन, एसिटो दिया है मतलब एसिटोन है, CH3 COCH3, ये हो गया एसिटोफिनोन, और फोर पे फ्लोरो, वन टू थ्री फोर, फोर पे बन गया फ्लोरो। तो ये था इंडेक्स क्वेश्चन 8.1, अगली बार से और सुंदर करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं 8.2 पे, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जो सबसे पहला रिएक्शन दिख रहा है बच्चों, सबसे पहला रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये रहा, और हम आपसे बोले थे अगर एनहाइड्रस AlCl3 है इसका मतलब फ्रीडल क्राफ एल्काइलेशन या एसाइलेशन है। यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे ग्रुप एसाइल है, तो पहले वाले का जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले वाले का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, बेंजीन, और उस पे जुड़ जाएगा COC2H5, क्योंकि ये फ्रीडल क्राफ एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ एसाइलेशन है। ये बच्चों कैडमियम के साथ दे रहा है, सिमिलर रिएक्शन है, इसमें थ्राइस हो जाएगा, उसमें भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे Hg इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 है, Hg इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 में इसका एल्डिहाइड बन जाएगा, देखिए आपको दिखाया गया था, आपको हम दिखाते हैं, ओ सॉरी सॉरी, आई थिंक ये बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स, इथाइन ऑन हाइड्रेशन विद HgSO4 और H2SO4, इस केस में भी क्या बनता था बच्चों, एल्डिहाइड बनता था। इसके साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो CH3CHO बना के हमें दे देगा, तो वहां पे चार कार्बन है। आइए नीचे आते हैं बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि आपको आइडिया लगता रहे, ये तो हो ही गया, यहाँ पे चार कार्बन है, तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड इधर, एक एल्डिहाइड इधर, मतलब क्वेश्चन नंबर थ्री में दो एल्डिहाइड बनेंगे, दोनों सिमिलर बनेंगे, CH3CHO बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, तो इटार्ड रिएक्शन है ये, इटार्ड रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NO2 तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि NO2 कोई काम यहाँ पे नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा, पर हमने पढ़ा है मिथाइल कीटोन से, तो ये आपको बेंजल्डिहाइड बना के दे देगा, ठीक है, कोई कष्ट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आइए इसको करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पहला वाला, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, इथेनल, मिथ इथेनल, ये दूसरा, दूसरे का पहले में प्रोपेनल, सॉरी प्रोपेनल, तो मिथ इथ प्रोप, ये हो गया। तीसरा कह रहा है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, और चौथा कह रहा है ब्यूटेनोन, एक दो तीन चार, ब्यूटेनोन। तो देखिए ये तो हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड में ज्यादा तेज होगा क्योंकि एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है,
तो भीड़ कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजिली हो पाएगा। तो कीटोन्स ऑब्वियसली बाद में आएंगे, उसके बाद बल्किनेस पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे तेजी से इथेनल में होगा, फिर प्रोपेनल, उसी ऑर्डर में दिया हुआ है बच्चों, पहला वाला उसी ऑर्डर में दिया हुआ है, अगला वाला आई होप आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे थे अमीन्स के अलग अलग डेरिवेटिव के बारे में फर्स्ट पार्ट में, और हमने कहा था इस पे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं। आइए देखते हैं किया कैसे जाता है, हम आपको इसी में बता देंगे ताकि आपको इजी लगे। देखिए जब भी आपको कार्बोनिल ग्रुप के साथ अमीन्स अमीन्स के प्रोडक्ट मिलेंगे तो बस आपको कार्बोनिल ग्रुप पे ध्यान देना है, और कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और अमीन का हाइड्रोजन हटा देना। देखिए ये बस हटाना है और बाकी प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा बच्चों। यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, अभी हम आपको प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे। जो नाइट्रोजन के पास का H2 है और कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, उन दोनों को हटाना है, मतलब H2O गायब करके बाकी प्रोडक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। देखिए ये एज इट इज, डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, यहां से H2O हटा है तो यहां से N OH जुड़ जाएगा। देखिए बस हमने इसका H2 हटाया, इसका O हटाया। अमीन्स के कोई भी डेरिवेटिव के साथ अगर कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन होगा तो बस H2O रिमूव करना होता है। इसकी बात करें यहां से भी देखिए रिमूव होगा, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ ये था, इसके पास डबल बॉन्ड था NNH। देखिए जिसके पास से H2 निकला है उसी को ज्वाइन करना है, बाकी इनके साथ जो भाई लोग थे उनको एज इट इज बना दी। सॉरी ये थोड़ा सा गंदा बन गया, सुंदर बनाते हैं। देखिए ये O2N NO2 और बाकी सब कुछ सेम, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस H2O निकालना है हर बार। आइए यहां आप ट्राई कीजिए, यहां आप ट्राई कीजिए, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। पहली बार में हम भूल गए थे तो इसको हम बना देते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। CH CH, देखिए इसको एकदम टच नहीं कर रहा है, एकदम टच नहीं कर रहा है, सी एच, और इसी से डबल बॉन्ड था। अब बाकी आप जोड़ दीजिए एन सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एन एच टू। ठीक है, अब देखिए इसके पास यहीं पे खाली सिर्फ नाइट्रोजन के पास वाला हाइड्रोजन H2 हटाना है और किसी के पास करेंगे, यहां पे भी वही कहानी होगी। ये बना दिया सी डबल बॉन्ड ओ, ये देखिए इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अब बाकी इससे जोड़ दीजिए, ओ की जगह कौन आ गया, सॉरी ओ लिख दिया था, एन सी एच टू सी एच थ्री। ठीक है, तो यहां खत्म होता है आपका एल्डिहाइड बच्चों। एल्डिहाइड मतलब कि फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कीटोन के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसा लगा ये नया तरीका हमारा पढ़ाने का, जहां हम साथ में इंटेक्स क्वेश्चन भी करा रहे हैं, और आपको किस चीज की जरूरत है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।